सोशल मीडिया पर हर दिन कोई ना कोई ऐसा वीडियो वायरल हो रहा होता है, जिसके चलते वायरल वीडियो लोगों की चर्चा का विषय बन जाता है। आपको बता दें कि इन दिनों भी एक ऐसी वीडियो है जो काफ़ी वायरल हो रही है। लेकिन जहां हर बार हम देखते हैं कि मीम्स बनाने वाले वीडियो इसलिए वायरल करते हैं क्योंकि वो लोगों के चेहरे पर दो पल की मुस्कान लाना चाहते हैं। सबको एक साथ खड़ा किया लाइन में और लड़की को लेके आया। इट वॉज अ इम्पल्सिव डिसीजन। मैं और भी कुछ कर सकता था पर मैंने फिर उसको चाटा लगा दिया, बिकॉज जो वो कर रही थी वो बहुत गलत था। मैं कुछ और भी कर सकता था। लेकिन इस बार वीडियो वायरल करने की वजह कुछ और है, और वो वजह है कि वो एक लड़के को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। आपको बता दें कि अभी तक आपने इस वायरल हो रही वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से रियलिटी शो रोडीज में यह लड़का आता है और सामने बैठे जज के सामने अपनी लव लाइफ बताता है, जहां यह लड़का का यह बताता है कि इसकी एक दोस्त थी और उस लड़की ने इन्हें धोखा दिया, जहां इस लड़की के 5 बॉयफ्रेंड थे। तो इस लड़के ने उस लड़की को काफ़ी गुस्सा आया, जिसके बाद इस लड़के ने लड़की को एक जोर का तमाचा जड़ दिया। अब जैसे ही इस लड़के ने ये बात बोली तो सामने बैठी जज यानी नेहा धुपिया को काफ़ी गुस्सा आया। नेहा ने गुस्से में इस लड़के को गाली दी, साथ ही ये भी कहा कि इट्स हर चॉइस, तू कौन होता है। लेकिन उस समय जब नेहा ये बात बोली तो वो अपने आप को तुर्रम खान से कम नहीं समझ रही होंगी। लेकिन जैसे ही ये रोडीज की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने इस लड़के को सपोर्ट किया और नेहा धुपिया को ट्रोल। लेकिन इस वायरल वीडियो के होने के बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर मासूम जनता के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि खबरों के अनुसार ये वीडियो वायरल नहीं हुई बल्कि इसको वायरल कराने की सोची समझी साजिश थी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि वो कैसे, क्योंकि इसमें तो नेहा धुपिया काफ़ी मजाक बना है। तो आपको बताते चलें कि वायरल हो रही वीडियो की सच्चाई तो इसमें जो लड़का आप देख रहे हैं वो कोई ऑडिशन देने नहीं आया था, बल्कि उसको बुलाया गया था खुद रोडीज के शो वाले के द्वारा। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से शो की TRP काफ़ी डाउन जा रही थी, तो ऐसे में इस लड़के को बुलाया गया और उसका रोस्ट करा, जिसमें शो की स्टोरी लाइन में थोड़ा मसाला देखने को मिला और लोगों का ध्यान शो की ये स्टोरी लाइन के जरिए खींच सकें। जिससे शो की स्टोरी लाइन में थोड़ा मसाला देखने को मिले और लोगों का ध्यान शो की ये स्टोरी लाइन के जरिए खींचा जा सके और साथ ही साथ गिरती हुई TRP को बढ़ाया जा सके। और ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि इस लड़के की ये वीडियो वायरल होते ही शो की TRP में एकदम से ही उछाल देखने को मिला। लेकिन आपके मन में अब भी ये सवाल चल रहा होगा कि आखिर ये लड़का कौन है। तो आपको बता दें कि इस लड़के का नाम करण कपूर है और ये लड़का ऐरा गैरा नहीं बल्कि एक मशहूर हस्ती है पहले से ही। इसके साथ ही ये एक होस्ट भी है। जहां बात करें इसकी होस्टिंग की, तो करण कपूर ने कई बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी के मूवी प्रमोशन के लिए लाइव इवेंट होस्ट किए हैं। जिनमें बात करें कुछ मशहूर चेहरों की, तो उनमें आते हैं अक्षय कुमार, AR रहमान, शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित जैसे बड़ी हस्तियाँ, जिनके फिल्म प्रमोशन के लिए इन्होंने शो को होस्ट किया है। और बात करें रोडीज के शो के वालों ने इन भाई साहब को रोस्ट करने की क्यों सोची, तो आपको बता दें कि करण कपूर पहले से ही ऑफ स्क्रीन रोडीज शो का हिस्सा रह चुके हैं, जहां इन्होंने रोडीज शो के प्रमोशन शो को होस्ट किया है, जहां इन्होंने रोडीज के शो के प्रमोशन को काफ़ी होस्ट भी किया है, जहां 2017 में भी दिखे थे, साथ साथ 2018 में भी। तो यानी कि दोस्तों अगर कुल मिलाकर पूरी स्टोरी को देखा जाए तो ये स्क्रिप्टेड थी। तो यानी दोस्तों अगर कुल मिलाकर पूरी स्टोरी को देखा जाए तो करण कपूर और नेहा के वायरल वीडियो ने रोडीज शो की डूबती नाव को बचा लिया। लेकिन साथ ही साथ इस वायरल वीडियो की वजह से नेहा धुपिया को कुछ नुकसान भी हुआ है और थोड़ा फ़ायदा भी। बात करें नुकसान की, तो इनके फिल्मी करियर और इनका लोगों ने काफ़ी मजाक बनाया है। अब बात करें फ़ायदे की, तो फ़ायदा इनको ये हुआ है कि फ़ायदे में इनकी फ़ैन फॉलोइंग में हुआ है, जहां बीते एक हफ्ते में अंदर इंस्टाग्राम पर इनके फॉलोवर में करीब 3 लाख की बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ दोस्तों, ये तो बात हो गई वायरल हो रही वीडियो की सच्चाई की। उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ साथ हमें कमेंट करके बताइएगा कि अगर सच में नेहा धुपिया और जो इस लड़के के बीच में हमें वायरल हो रही वीडियो में हकीकत देखने को मिली है कि किस प्रकार से एक लड़के ने, जब एक लड़की 5 लड़कों के साथ चीट करती हुई दिखाई दे रही थी, तो इस लड़के ने गुस्से में आकर उसको तमाचा जड़ दिया, क्या उसने सही करा था या नहीं, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाते रहें। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद।